आई एम जस्ट स्टैंड बिसाइड द कृष्णा रिवर और मेरे बाजू में एक्चुअली बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, लाइक द काशी विश्वेश्वर टेम्पल, द महागणपति टेम्पल एंड लॉट मोर टेम्पल्स. एंड बिकॉज ऑफ होल्डिंग मोर देन 100 टेम्पल्स, ये जगह को एक्चुअली दक्षिण काशी और द दक्षिण वाराणसी नाम से जाना जाता है. Hello guys, welcome to my channel and this time I'm welcoming you from a very beautiful picturesque hill station town in Maharashtra. The town name is Wai. फिलहाल वाई टाउन में मैं अब जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये जगह का नाम है गणपति आली घाट. तो इस जगह को दक्षिण काशी या दक्षिण वाराणसी बोलने का मतलब है कि लाइक द वाराणसी और द काशी एट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन कंट्री, ये जगह पे भी मोर देन 100 टेम्पल्स है द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा. Wai is the first holy town on Krishna River. तो वाई टाउन पे एक्चुअली बहुत सारे चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं और मेरे पीछे आपको दिख रहा है द फेमस महागणपति टेम्पल. ये जो गणपति टेम्पल है, तो ये गणपति को एक्चुअली ढोलिया गणपति नाम से भी जाना जाता है एंड क्वाइट लार्ज एक्चुअली द लार्ज आइडल. So if you are coming by your own vehicle or buses, like you have to cross this narrow bridge on top of the Krishna River or ye Mahagadapati temple ke baju mein aapko parking milenge. To ye jo mere piche Mahagadapati temple aap dekh rahe ho, to iske baju mein actually hame same Krishna River ke bank pe the ancient temple Kashi Vishveshwar temple mujhe dikhai de raha hai. So it's a Lord Shiva temple. तो आपको जो मैं काशी विश्वेश्वर टेम्पल के अंदर जो नंदी का स्टोन कार्विंग दिखा है, वो काफ़ी एंशंट और काफ़ी फेमस है. तो लोग कहते हैं कि जो महागणपति टेम्पल के अंदर जो लॉर्ड गणपति का जो आइडल है, उसी सेम स्टोन से एक्चुअली जो यहाँ पे नंदी का कार्विंग हमें देखने को मिलता है, द स्टैचू देखने को मिलता है, सेम स्टोन से बनाया गया है.
और ये जो काशी विश्वेश्वर टेम्पल है, दिस इज़ वेरी एंशंट टेम्पल, पीपल से लाइक एज ओल्ड एज 300 to 400 ईयर्स। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 7 घाट्स है और जिसके बाजू में ये कृष्णा रिवर बहती है। तो घाट्स लाइक आई मीन द रंडो आली, गणपति आली, भीमकुंड आली, माधी आली, धर्मापुरी, देन ब्रह्मणशाही, गंगापुरी, ये सब यहाँ पे घाट्स है। और ये सब घाट्स के बाजू में हमें काफ़ी पुराने टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो कृष्णा रिवर और गणपति आली घाट है यहाँ पे, तो इसी घाट के ऊपर एक्चुअली एक फेमस ओकेशन भी मनाए जाते हैं बाय द लोकल टाउन पीपल। दैट ओकेशन इज कॉल्ड द कृष्णमाई ओकेशन। आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो कि ऑन द वे टू महाबलेश्वर पंचगणी आप वाई होके निकलो, या वाइल रिटर्निंग फ्रॉम महाबलेश्वर पंचगणी आप एक दिन या हाफ दिन ये वाई को विजिट करके, वाई का टूर करके आप निकल जाओ। क्योंकि ये जो टेम्पल सिटी है वाई, और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑर्बिट लोकेशंस भी है, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि तक की बुद्धिस्ट केव्स, द वेस्टर्न घाट्स, द रिवर बैंक्स, द हिस्टोरिकल नाना फडनवीस वरा मेनावली, द शूटिंग लोकेशंस, टेबल लैंड, बोटिंग, बैकवाटर डैम, काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को है। उसके लिए डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट लोकेशंस के ब्लॉग आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो वाई एज ए टेम्पल सिटी और दक्षिण काशी और दक्षिण वाराणसी, इसका जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करता हूँ। स्टे ट्यून्ड विथ मी, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून, एंड डेफिनेटली थैंक यू फॉर वॉचिंग।